आज ही के दिन 1860 में इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ। इस दिन को देश में इंजीनियर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को भारत ही नहीं विश्व की महान प्रतिभाओं में गिना जाता है। उन्हें सन 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन 1890 में हरक्यूल पायरोट, मिस मार्पल और पार्क पाइन जैसे जासूसी किरदारों में जान डालने वाली अगाथा क्रिस्टी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1905 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म हुआ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक है। इनको भारत सरकार द्वारा वर्ष 1963 में पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया गया। राम कुमार वर्मा को उपन्यास चित्र रेखा पर देव पुरस्कार एवं एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार मिला। उनके कृतित्व से प्रभावित होकर स्विट्जरलैंड के मूर विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। आज ही के दिन 1909 में तमिल नेताओं में से सबसे ऊंचा कद रखने वाले सीएन अन्नादुरई का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1916 में प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार सोम्य की लड़ाई में टैंक का इस्तेमाल किया गया। आज ही के दिन 1948 में स्वतंत्र भारत का पहला ध्वजपोत आईएनएस दिल्ली बम्बई के बंदरगाह पर पहुंचा। आज ही के दिन 1959 में भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत हुई। और आज ही के दिन 2008 में अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक लीमैन ब्रदर्स ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। ये अब तक की अमेरिकी इतिहास की दिवालिया होने की सबसे बड़ी घटना थी। लीमैन का दिवालिया होना वैश्विक मंदी के कारकों में से एक था।